कोरोना से बचाव के लिए देश भर में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन के दौरान सरकार के साथ साथ तमाम सामाजिक संस्थाएं और आम जनता गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान जैसी सुविधाएं मुहैया करा रही है, ताकि किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अब महिला संगठनों ने भी पुलिस प्रशासन के सहयोग से जरूरतमंद तबके के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। इसी के चलते ये महिला संगठन 5,000 से ज्यादा लोगों को भोजन वितरण कर रही है। खास बात यह है कि इन महिला संगठनों ने ऐसे 5,000 जरूरतमंद लोगों को खुद खोजा है और खुद वहां जाकर भोजन वितरण कर रही हैं। इसी को लेकर जायजा लिया हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा ने। राजस्थान समेत पूरे देश भर के अंदर कोरोना को लेकर के उस पर रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लॉकडाउन किया गया है। ये लॉकडाउन इसलिए नहीं है कि आपको घरों के अंदर कैद रखा जाए, ये लॉकडाउन इसलिए है कि आप कोरोना से अपना बचाव कर सके और उस पर लगाम कसी जा सके। मगर इसके साथ ही जब 3 महीने का लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद एक उम्मीद जगी थी कि यहाँ पर कोरोना से जंग लगने के लिए जो तमाम जो लोग हैं वो खड़े हो गए हैं। मगर इसके साथ ही सबसे बड़ी जो समस्या हुई वो हुई लोगों के लिए, ऐसे लोग जिनको सबसे ज्यादा खाने पीने की समस्याएं उठेंगी इस 3 महीने के दौरान। तो ऐसे ही जरूरतमंद लोगों के लिए यहाँ पर समाज के विभिन्न तरह के जो लोग हैं, विभिन्न संस्थाएं हैं, वो यहाँ पर एकजुट हुई है और उन्होंने सरकार के साथ हाथ से हाथ, ताल से ताल मिलाते हुए अपनी एक अनूठी मिसाल कायम करते हुए यहाँ पर लोगों की जो जरूरतमंद जो लोग हैं उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। और तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर ये एक ऐसा परिवार है जो प्रतिदिन 2 से 5 हजार आदमियों का यहाँ पर खाना बनाते हैं। रोजाना ये खाना बनाने की यहाँ पर उन्होंने प्रक्रिया शुरू की है। खास बात यह है कि कौन कहता है कि 3 महीने तक क्या करना है। 3 महीने तक आप इन लोगों को देखिए कि ये 3 महीने तक इन्होंने ये एक बिल्कुल यहाँ पर दृढ़ निश्चय किया है कि ये सभी लोग उन जरूरतमंद लोगों को जिनको इन 3 महीने के दौरान सबसे ज्यादा खाने की समस्या रहेगी उनके लिए यहाँ पर खाना बनाने की यहाँ पर मुहिम शुरू की है। और उसी के चलते देखेंगे कि यहाँ पर खाना पैकिंग किया जा रहा है। पूरे जयपुर में ये जो खाना है ऐसे जरूरतमंद लोगों को, ऐसे गरीब लोगों को जिनको 2 वक्त की जो रोटी नहीं मिलती है, 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते थे रोजाना, वो यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करते थे और उसके बाद अपने पेट का जीविकोपार्जन करते थे, तो ऐसे लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है। और खाना बनने के बाद यहाँ से उनको पैकिंग किया जा रहा है। बिल्कुल साफ सुथरे अंदाज में यहाँ पर पूरा खाना बनाया जा रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ पर हमारे साथ, सबसे पहले महिलाओं से ही बात करेंगे। मैडम आप बताएंगे कि आप ये खाना बना रहे हैं, कब से बना रहे हैं और क्यों, क्या वजह है? 3 दिन से बना रहे हैं ताकि जो भूखे हैं, जो नहीं बना पा रहे हैं, जो नहीं खा पा रहे हैं, उनको यही पहुंचाना है। जो कि मतलब बिल्कुल रोज की कमाई से ही मतलब चलता था उनका घर, तो इस तरह से उनको भूख मिट जाए। आप बताएंगे मैडम आप कि खाना बनाने की जो आपने सोचा कि यार मुझे खाना बनाना है, लोग जरूरतमंद लोगों की मदद करनी है, कैसे आया है विचार? मैंने मैडम रूपा जी को देख के, इन्हें शुरुआत इन्होंने की थी तो मैं सामने ही रहती हूँ जैसे, तो मैंने इनको करते हुए देखा, मैंने इनको कॉल किया कि आप कैसे, क्या कर रहे हो, क्या बजट आ रहा है, किस तरह से व्यवस्था की है। तो इन्होंने फिर मेरे को बोला कि भी ठीक है, मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ हेल्प के लिए, अगर कोई चला के बोल रहा है तो शामिल हो सकते हो आप भी। तो फिर हम लोगों ने साथ दिया इनका। आप बताएंगे मैडम? हाँ जी, मैं बिल्कुल बताऊंगी इस कार्य के लिए आपको कि ये बहुत ही अनुपम कार्य हो रहा है ऐसे लोगों के लिए जो 2 जून रोटी अपनी जुगाड़ नहीं कर पा रहे, उन लोगों के लिए सब हो रहा है। और मैं इस चीज से ऐसे जुड़ी कि रूपा जी मेरे बिल्कुल नेबर हैं और जैसे मैंने इनको देखा करते हैं तो मैंने इनसे पूछा आप ये लोग क्या कर रहे हैं, ये किसके काम है, कहाँ भेज रहे हैं? तो रूपा जी ने मुझे बताया कि ये गरीबों के लिए खाना बन रहा है और अगर आप भी चाहते हो हमारे साथ मिलना तो आप भी आओ, और हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे अपनी इच्छा से। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग भी कुछ गरीबों के लिए कर पा रहे हैं। बिल्कुल, मानवता धर्म का जो यहाँ पर ये लोग धर्म निभा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छी यहाँ पर काबिले तारीफ है इन लोगों की मुहिम। कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएंगे सर, आप ये खाना यहाँ पर बना रहे हैं, क्या वजह है, मतलब किसके लिए, कहाँ कहाँ बांटेंगे? ये कुछ तो अपन बांटेंगे सिख रोड पे जो पैदल यात्री जा रहे हैं, कुछ तो उनके लिए, कुछ कच्ची बस्ती जो पब्लिक है उनके लिए बांटे जा रहे हैं। आप बताएंगे सर? ये हम लोग 3 से 4 दिन से कर रहे हैं और हम ये जितने भी गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो कि रोज ना कि रोज खाते हैं, उनकी सहायता के लिए, उनके अच्छे के लिए, उनको उनकी हेल्प करने के लिए हम ये लोग कर रहे हैं। कल हमने कुछ जगह बांटा, जगतपुरा हाईवे, दिल्ली हाईवे,
वहाँ पे काफी लोग थे जो अपने घरों से जा रहे थे कि गवर्नमेंट ने दो दिन के लिए अपना बस वगैरह चालू की है। काफी लोग थे जो पहले पहले अपने घरों की तरह प्रवेश कर रहे थे, तो उनको बहुत अच्छा लगा ये खाना खा के, उनको बहुत अच्छा लगा, लोग काफी हैप्पी हुए इस बात को। करीब कितने लोगों का खाना बन रहा है? करीब 4 या 5 हजार लोगों का खाना बनता है रोज, 3 दिन से रोज खाना बन रहा है। यहाँ से पहले हम जाएंगे जालूपुरा, HHO साथ में रहेंगे, विक्रम सिंह जी राठौड़ हमारे साथ चलते हैं, फिर उसके बाद में हम जाते हैं जगतपुरा कच्ची बस्ती, फिर वहाँ से हम एक एक परिवार को खाना वितरण करते हैं। धन्यवाद। तो बिल्कुल यहाँ पर कम से कम 5000 आदमियों का प्रतिदिन खाना तैयार किया जाता है और उन्हें यहाँ पर भोजन वितरण किया जाता है। खास बात यह है कि यहाँ पर सरकार की ओर से लगातार आह्वान किया गया था कि तमाम जो भामाशाह हैं वो सामने आए, और आने के बाद यहाँ पर सरकार की जो कोशिश की जा रही है गरीबों को और जरूरतमंद लोगों को मदद करने की, उसमें हाथ बढ़ाएं। और कहीं ना कहीं ये जो नज़ारा है बिल्कुल इसी तरीके का है यहाँ पर, और यहाँ पर खाना किस तरह बनाया जा रहा है देखेंगे। पूरा यहाँ पर लंगर टाइप का लगा दिया गया है, पूरे यहाँ पर भट्टियाँ लगा दी गई है, प्रतिदिन यहाँ पर काम होता है, कोई एक दिन का काम नहीं है। और इन्होंने ठाना है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक इन लोगों की जो मुहिम है गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना वितरण करने की वो जारी रहेगी। कैमरा पर्सन विजय मिश्रा के साथ यादेंद्र शर्मा, A1 TV न्यूज़ जयपुर। देश के ख्यातनाम ज्योतिषी मुकेश पनिया ने एक प्रश्न